पूजा प्रिया लाइफ सीरीज कैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको जून महीने के पूरे राशियों के बारे में बात करते हैं कि इस महीने आपकी राशि आपको क्या संकेत दे रहे हैं या आपका राशिफल क्या कहता है आपके बारे में और ये महीना कैसा बीतने वाला है। तो चलिए शुरुआत मेष राशि से करते हैं। महीने की शुरुआत किसी अच्छी खबर से होगी आपके लिए। जी हाँ, इस महीने धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। महीने के अंत तक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। इस महीने अवैवाहिकों के शादी का रिश्ता तय हो सकता है। अगर आप प्रेम विवाह करने की चाह रहे हैं तो ये महीना आपके लिए अनुकूल है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों को इस माह कोई सरप्राइज मिल सकता है। कारोबारी अगर व्यापार में विस्तार करने की सोच रहे हैं तो समय बेहद शुभ है। वृष राशि, महीने की शुरुआत में अचानक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस महीने यदि आप जमीन मकान लेने की सोच रहे हैं तो ये सपना पूरा हो सकता है। सामाजिक कार्यों में किए गए योगदान से मान सम्मान में वृद्धि होगी। वैवाहिक जोड़े माह के अंत तक किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। कारोबार में कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस महीने कोई खुशखबरी मिल सकती है। प्रेमी जोड़ों के लिए ये महीना बेहद खास रहने वाला है। मिथुन राशि, माह के शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है। कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आएगा। माह के अंत तक पिता या भाई के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस महीने कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। माह के अंत में जीवन साथी की मांग को पूरा नहीं करने से कलह हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह कोई गुड न्यूज मिल सकता है। उसके बाद है कर्क राशि, माह की शुरुआत किसी अच्छी खबर से होगी। इस महीने कारोबारियों की उम्मीद के मुताबिक लाभ होने से कारोबार में विस्तार करने का प्लान बना सकते हैं। इस महीने आपको शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। आपको आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। साथ ही बात करें अगर सिंह राशि की तो माह की शुरुआत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि ये महीना यदि आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। विद्यार्थी को महीने के दूसरे हफ्ते तक कोई गुड न्यूज मिल सकता है। शादीशुदा जोड़ों को संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। वहीं प्रेमी संबंधी अगर शादी की योजना बनाते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कन्या राशि, माह की शुरुआत में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार मंदा चलेगा, धैर्य के साथ काम करें। माह के अंत तक सब ठीक हो जाएगा। इस राशि के अवैवाहिक की शादी फिक्स हो सकती है। सावधान रहें, गोपनीय बातें किसी से साझा नहीं करें, नहीं तो विश्वासघात हो सकता है। प्रेमी जोड़ों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तुला, इस माह आपके लिए अच्छे कार्य के चलते समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को सरप्राइज मिल सकता है। वहीं आपको बताते चले कि माह के तीसरे हफ्ते में वैवाहिक दाम्पत्य घूमने जा सकते हैं। लव मेट की तरफ से कोई तोहफा मिल सकता है। वृश्चिक राशि, इस माह शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। कारोबारियों को मेहनत के मुताबिक लाभ होगा। वाहन या मकान लेने के लिए आज का समय अनुकूल है, यानी कि ये जो महीना है आपके लिए अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। लव मेट के साथ घूमने जा सकते हैं। उसके बाद है धनु राशि, ये माह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। नौकरी या कारोबार में आपको ऐसी तरक्की मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। शत्रु विश्वासघात कर सकते हैं आपके साथ इस महीने। जीवन साथी के सहयोग से महीने के अंत तक मान सम्मान में वृद्धि होगी। मकर राशि, ये महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है। नया कारोबार शुरू करने के लिए ये माह बेहद शुभ है। माह के अंत तक जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेमी जोड़े के शादी करने के लिए ये माह बेहद शुभ माना गया है। कुंभ, इस माह आपको सावधान रहने की जरूरत है। सप्ताह के शुरुआत में पारिवारिक कलह हो सकता है। शैक्षणिक कार्यों के चलते माह के दूसरे सप्ताह में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नशे के सेवन से आप बिल्कुल भी बचे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।